इतने शोखे बनने की जरूरत है नहीं कि बंदा बस उठ के कह देते कि वैलेंटाइन बना रहे हैं, तो मैं तो यही समझू की मदर्स डे अपनी माँ को ही फूल दी थी, अगर ये फजूल के पैसे खर्च ना करें तो बेहतर है। किसी जगह खाना शाना खा लिया, एक दो फूल दे दिया प्यार में, तो अगर बंदा इस तरह कर ले तो कोई इसमें कबाहत नहीं। फूल बांट रहे हैं, यही फूल अपनी माँ बहन को जाके दे दें तो आपको दुआ तो मिलेगी, कम से कम दुआ तो मिलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया। और वैसे भी पाकिस्तान में अब तो कोई शौक से नहीं मनाता, मजबूरी से मनाते हैं। नो, आई एम कम्प्लीटली नॉट एग्री विद इट। वैलेंटाइन डे के वाले कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो लड़के या लड़कियाँ सेलिब्रेट करती हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? उनको बस यही पैगाम है कि जो भी करें छुप के करें। क्या कहा आपने? मैं तो कभी नोट ही नहीं किया। वो कह रही मैं तो इसको भाई समझती हूँ। चलो भाई समझ, मैं उसको बहन समझ लूँगा। बहनों पे लेने मारते हैं वो, पहले मैं उसको बहन ही समझता था। नहीं, मेरा नाम अली शेर है और आप देख रहे हैं पंजाबी और टीवी। जिस तरह आपको पता है कि वैलेंटाइंस डे है और हमने मुनासिब समझा कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसका माइंडसेट चेक किया जाए, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह इसको देखते हैं, तो आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी आए हैं। हम बच्चे और बच्चियों दोनों से गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय लेंगे कि वो इस दिन को कैसे देखते हैं, अगर वो सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, या बीइंग ए मुस्लिम हमें करना चाहिए या नहीं। तो आए हम लोगों से बातचीत करते हैं। मैं तो पहले ये कहूँगी, जो वैलेंटाइन है इसको कहा जाता है एक हया। ये वालदैन जो हैं अपने बच्चों को मतलब इदारों में भेज देते हैं पढ़ाई के लिए और उनको नहीं पता होता कि उनके बच्चे आगे क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि इस दिन को ना सेलिब्रेट किया जाए और ना बाहर जाए, ना मतलब जो मीटअप होता है इनका, रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं जाते हैं, यहाँ ना जाए। अगर कोई आपको पसंद भी करते हैं, कोई आपका लवर है, जो भी है, चाहे फियांस जो भी है, उसके लिए भी एक अल्लाह ने रास्ता बनाया है, तो वो ही अपनाएं। ये नहीं कि आप वैलेंटाइन डे के दिन उनके साथ बाहर जाए और अपनी इज्जत लूट के आ जाए, अपने माँ बाप के जो उन्होंने इतना ट्रस्ट करके आपको इतने दूर से भेजा होता है, उनके ट्रस्ट को कभी भी किसी और की मोहब्बत के लिए, माँ बाप की जो मोहब्बत है उससे ज़्यादा किसी, उससे तरजीह ना दे, उससे ज़्यादा किसी की भी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके फियांसी हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, जो भी हैं। और आजकल का जो हमारा एक वैलेंटाइन डे का एक इमेज बना हुआ है, बहुत ही ख़राब है। वैलेंटाइन डे आ रहा है, आने दें, आने दें, क्या इरादा है? इरादा बस यही है, नींद पूरी करनी है, खुल गए कल्याण। अच्छा कल्याण, आपका नाम बजेगा। अच्छा, सेलिब्रेट हमें करना चाहिए या नहीं? सेलिब्रेट वैसे इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना इस्लामिक कंट्री होती तो फिर करें, फिर करना चाहिए, फिर करना चाहिए। ये डे मनाना चाहिए या नहीं? वैसे मुझे तो लगता नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम इसको बड़े नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं जो आजकल की जनरेशन है। लेकिन अगर इफ़ जो कपल्स हैं वो मैरिड हैं और मंगनी शंगनी हुई भी है, तो एक दिन उनको मिल जाता है ये सेलिब्रेट करने के लिए, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो मुझे नहीं लगता मनाना चाहिए। उनके लिए यही दिन है, वो तो सारा साल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे एक एनिवर्सरी है, एक बर्थडे है, हम एक दिन मिलता है ना हमें सेलिब्रेट करने के लिए। अपनी क्या राय है? मेरी राय है हमारे टीनेजर्स के लिए हम क्या करें सेलिब्रेट करके, कोई है नहीं तो। चले ठीक है, शुक्रिया। हारी साहब, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कैसी तैयारियां आपकी? तैयारियां उनकी है जिनकी कोई है, हमारी तो कोई है नहीं, वरना हम तैयारी करके रखते हैं। आप समझते हैं सेलिब्रेट करना चाहिए? जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वैलेंटाइन डे के वाले क्या ओपिनियन है आपका? मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वैलेंटाइन डे है ना, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 साल हो गए हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी का, तो इसमें देखा जाए तो कसूर दोनों का ही होता है। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं मेरी। तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन करना चाहिए जिनकी आए। अच्छा, अगर होती तो आप करते? ज़रूर करता, ज़रूर करते। किस तरह सेलिब्रेट करते? गिफ्ट लेके देते, फ्लावर लेके देते, कैसे करते? कोई भी गिफ्ट, फ्लावर, दोनों चीज़ चल सकती हैं, कोई इतना इशू नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 है। 25 है? यस। 25 में अभी तक आपको कोई नहीं मिली के जिसको आप फूल दे सकें? मैं इंगेज हूँ। आप इंगेज हैं? Yes. तो फिर आप ये विश तो ना रखें कि मैं होती तो फिर मैं देता है। तो गर्लफ्रेंड और एंगेजमेंट में थोड़ा फर्क समझता हूँ, इसलिए यार जिसको सेलिब्रेट करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। आपकी अपनी राय क्या है? मैं तो सेलिब्रेट नहीं करता। सेलिब्रेट नहीं करता? नहीं करता। ठीक, क्या रीज़न है, क्यों नहीं करता? जरा उसके लिए वैलेंटाइन भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप पॉजिटिव सेंस में मनाते हैं तो अच्छी बात है। आजकल हमारी सोसाइटी में वैसी भी नफरत और हेट का बाजार गर्म है। हाँ, ये कह लें। और जो है ना, मोहब्बत वैसी भी कम है, भाईचारा
तो मैं तो यही दिन हमें मिला मैं बदमनाने के लिए। नहीं नहीं मैं वही तो मैं कह रहा था कि आप किस सेंस में मनाते हैं। साल बड़ा सिर्फ आप अपनी राय हाँ या ना में दे दें कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। वैलेंटाइन दिन वाले दिन हम घर बैठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, नुसरत लगा के सुनते हैं। क्यों कोई नहीं मिली आज तक? नहीं नहीं हम सिंगल ही अच्छे हैं। अच्छा अच्छा ये जो लड़के या लड़कियाँ सेलिब्रेट करती हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? उनको बस यही पैगाम है कि जो भी करें छुप के करें। अच्छा वैलेंटाइंस डे आ रहा है, की कहना चाहो देंदे ते कुछ बयान सटो अपना? यार बयान इंदे ते की सटना है, ये वैसे ना इस्लाम दे विच ते नहीं जायदेगा, पर अजकल कड़े जनरेशन है ना वो इनू एक बड़े फैशन दे तौर ते एक ट्रेंड उन्हें अपनाया होया कि इनू बड़े चावां नाल कर देने कि खोरे सवाब दा काम है। मैं समझना भी जिन्हों लभदी नहीं ना वो इंज का लैक्चर दिता तो जिन्होंने लभदी आंदा। यार असल असल तो अं पिंड तो एक बिलोंग करने तो सानू इस चीज़ का कोई पता नहीं कि यार की असं तो हूँ नवे नवे यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है पता नहीं कि टैडी डे होता है, चॉकलेट डे होता है, आज ये दिन है वो दिन है, होता तो सब कुछ है, लेकिन अब अगर आप ग्राउंड बेसिस पे इसको देखें तो मैं नहीं मानता कि इसको होना चाहिए। जाहिर सी बात पर्सनली समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक नो आई एम कम्प्लीटली नॉट एग्री विद इट। वैलेंटाइन डे हमारे इस्लाम में जायज़ ही नहीं, तो मैं तो नहीं मानती कि हमें। माशाल्लाह आप क्या समझते हैं? नहीं करना चाहिए हमें वैलेंटाइन। यार पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मुस्लिम कौम है, मज़हब हमारे इस्लाम मज़हब है, हम लोगों के मज़हब में ये नहीं है कि हम लोग इस तरह के वो मनाएं जो ईसाई क्रिश्चियन लोग वो करते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। सर अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होती क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं खुद जमीतियाँ हूँ ठीक है, तो जो है कि ये नहीं राइट्स ठीक है, जो सबकी बहनें एक जैसी हैं, घर में इज्जत है ठीक है, तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह इस्लाम में नहीं है ये चीज़, इस्लाम में नहीं है। मैं तो यही कहूँगी पहली चीज़ ये कि सबसे पहले तो ये हराम है, और दूसरे कि इतने शोखे बनने की ज़रूरत है नहीं कि बंदा बस उठ के कह रहे थे कि वैलेंटाइन बना रहे हैं, तो मैं तो यही समझूँगी वो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबाहत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? इसी तरह जिस तरह लोग जाते हैं दोस्तों से मिलते हैं, वो दो कपल हो गए या एक कपल हो गया चले गए हैं तो किसी जगह खाना शाना खा लिया, एक दो फूल दे दिया प्यार में, तो अगर बंदा इस तरह कर ले तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। बिल्कुल वालदैन इतमाद करके हमें बेचते हैं दारों में, आप समझते हैं कि बच्चियों को या बच्चों को ये काम करना चाहिए? मेरा ख्याल है उनको इस चीज़ को समझ के सोच के करना चाहिए कि हाँ अगर वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं या निकाह अभी नहीं हो रहा या कोई उनकी मजबूरी है, तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह कोई कबाहत है इसमें, अगर वो आपस में आप समझते हैं कि सेलिब्रेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई इस्लामी त्यौहार नहीं है ठीक है, और इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसका भी हमसे कोई लेना देना नहीं है, और बीइंग अ मुस्लिम और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे इन चीज़ों को एक तो अच्छा नहीं समझा जाता, फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उसका हमारे दिन से कोई लेना देना नहीं है, एक नाजायज़ रिश्ता है, और उसको निभाने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए इस तरह सेलिब्रेट करना और खुलेआम, तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई गलत है। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, मतलब जब हम आए थे यूनिवर्सिटी में तो उस वक्त सब लड़कियाँ छोटी छोटी थी, ऐसे लगता कि फीलिंग होती थी कि मतलब लड़कियाँ हमारी बहन है साथ में बड़े हुए हैं, अभी सब ब्रो कहते हैं या बहन कहते हैं उनको, कोई फीलिंग नहीं आ रही, मतलब किसके साथ बंदा जाए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करे? फीलिंग आती होती है तो फिर आप मनाते? हाँ एब्सोल्युटली मनाते हैं, फूल देकर मना लेते जी, समझते हैं कि फूल देना चाहिए, देना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। क्या प्यार मोहताज है एक दिन का? नहीं कोई भी नहीं सर, आप हमेशा प्यार कर सकते हैं। हम मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमें मतलब एज अ मुस्लिम हमें ये नहीं मनाना चाहिए। आप प्लीज़ अगर किसी को लाइक करते हैं पर्सनली तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे शादी कर लें। बस वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या एक्साइटमेंट है? यार वैलेंटाइन उनके लिए होता है जो चले हम आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं, आप ये बता दें सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं यार, मौका नहीं मिला? नहीं मौका, एक तो मौके की भी बात है ऊपर से कल्चरल डिफरेंस भी है। कैमरे के सामने देख कह रहे हैं? नहीं वैसे इंडिविजुअल भी मेरी यही सोच है। अच्छा अगर आपको कोई प्रपोज करे और कहे कि मेरी शर्त यह है कि पहले मुझे फूल दो वैलेंटाइन डे के दिन पे फिर मैं एक्सेप्ट करूंगी प्रपोजल आपका, तो क्या राय होगी आपकी? यार इससे पूछो ना फिर मैं भी बताऊं। आप गूंगे हो? नहीं नहीं गूंगे की बात नहीं है। चलो बच्चा जी शर्मा रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरा।
समरा साहिबा, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ठीक है, इसको कैसे आप देखती हैं, क्या राय है आपकी, सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या रीज़न है इसकी, क्यों नहीं करना चाहिए? पसंद ही नहीं, अपनी चॉइस ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई फूल देना चाहे तो सीट खाली है? नहीं। अच्छा, तो फिर सीधी तरह बताओ, पूंडी भी करते हो और छुपा भी रहे हो? वैलेंटाइंस डे जो बच्चियां या बच्चे मनाते हैं, हमारे पास चीज़ है। अच्छा, एक स्पेसिफिक डे मनाना कि ये मैं आज इसको ये फूल दूंगा, आप समझते हैं? डेली मनाना चाहिए? डेली भी नहीं मनाना चाहिए, जो हमें इस्लाम। पूंडी और वैलेंटाइन डे में फ़र्क बता दो। पूंडी ये किसी को लाइन मारना है, किसी को देखना गौर से, आंखें फाड़ फाड़ के देखना। चलें इन पे लाइन मारे, इन पे लाइन मारो, ओनू तो मरदा ना लाइन मारदा। चलें हमें भी बता दें किस तरह की लाइन मारते हैं। अब वो बताएगी। हाँ, लाइन आप मारते हैं ना? हाँ। क्या कहा आपने? मैं तो कभी नोट ही नहीं किया। वो कह रही मैं तो इसको भाई समझती हूँ। चलो भाई समझ, मैं उसको बहन समझ लूँगा। बहनों पे लाइन मारते हैं वो? पहले मैं उसको बहन ही समझता था। अच्छा, पहले बहन नहीं समझते थे, लेकिन वो स्टिल आपको भाई समझ रही है? तो स्टिल मैं अभी उसको बहन समझना शुरू कर दूंगा। अब दोबारा कन्वर्ट होंगे आशिक से भाई में? आशिक आशिकी मुझे। चलें इनसे मोहब्बत का इजहार करें, क्या जो कहना है ये सामने बैठे। वो तो मेरी बहन है ना, अब बहनों से मोहब्बत नहीं की जाती? चलो क्या बहन जी, मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, या जो भी वट एवर आप जो सारी आपकी शादी धूमधाम से बनाऊंगा। हाँ, आज से सारी असाइनमेंट जाके मैं बनाऊंगा, देवदास की तरह बनाऊंगा। बहन आप मेरी असाइनमेंट बना देंगे, मिड में थोड़ी सी हेल्प कर देंगे काइंडली? नहीं, ये मोहब्बत का जा रही है, तरले कर रहे हैं आप, जो भी है बहनों के साथ कर सकते हैं। ये भाई आपने तो चवले मारी हैं, आप इनके लिए जो भी फीलिंग्स रखती हैं वो जरा इनके मुंह पे बता दे। मतलब कि मैंने कभी नोट ही नहीं किया इनको क्लास में भी, तो मेरी तो कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना ही फर्क है ये? इससे ज्यादा नहीं मनाना चाहिए, और वैसे भी पाकिस्तान में अब तो कोई शौक से नहीं मनाता, मजबूरी से मनाते हैं। टू सम एक्सटेंड करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक। आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मैं तो नहीं करता। आपकी राय है कि करना चाहिए? जी, करना चाहिए। ये जो बच्चे बच्चियां सेलिब्रेट करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? कि नहीं करना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, जो इन्होंने बात की वही करना चाहूँगी। ठीक ठीक, आपकी क्या राय है इस पर? यही है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये एक अलग ही माहौल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम एक दूसरे के साथ ऐसे करें। चलें, ये जो बच्चे या बच्चियां सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये कहूंगा कि यार अगर आप आज अपने लिए ऐसे कर रहे हैं ना, तो कल आपकी भी औलाद होगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या फीलिंग्स होती हैं कि जब कोई घर से बाहर घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा आप लोगों को, तो आप ऐसे काम करेंगे जब वालदैन को पता चलता है तो वो कितना दुख होता है। तो यही है कि यार अगर आपने कुछ किसी के साथ आपका रिलेशन है, तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ बताया, निकाह का कितना अच्छा निकाह, मतलब वो करें वो बेस्ट रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे शादी करें, उससे पहले हमें किसी दूसरे से रिश्ता रखने का हमारा कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। नहीं, मतलब जितना पहले होता था अब उतना नहीं है, मतलब पहले ज़्यादा लोग मतलब सड़कों में निकलते थे और मतलब ड्रेसिंग वगैरह भी करते थे। अब तो कोरोना की वजह से ना निकलते? नहीं, पिछले साल भी नहीं हुआ था कुछ, उससे पिछले साल भी नहीं हुआ था। यानी कि आपको पता होता कि कौन से साल में हुआ कि नहीं? जी। अच्छा, आपकी क्या राय है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैसेज देने से किसी का जो है ना हम माइंड चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए ज़रूरत होती है तरबियत की। माँ बाप के लिए मैसेज ज़रूर है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पैदा करने के साथ साथ उनकी तरबियत भी ज़रूर करें। माशाल्लाह, चलें, शुक्रिया जी। फूल बांट रहे हैं, यही फूल अपनी माँ बहन को जाके दे दें तो आपको दुआ तो मिलेगी, कम से कम दुआ तो मिलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन ये गलत बात है, एक तो ना तो इस्लाम में है ये चीज़, और इस्लाम ने भी यही कहा है कि मतलब आपको जो पसंद है तो आप उसे निकाह कर लो, आप उसको अपने लिए हलाल बनाओ। नहीं कि हमारे इस्लाम में ये भी नहीं कहा कि मोहब्बत का एक ही दिन है, बस आप एक दिन में मोहब्बत अपनी निभाओ, हमारे लिए हर दिन ही मोहब्बत। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। और ये जो बच्चे बच्चियाँ सेलिब्रेट करती हैं उनको कोई मैसेज देना चाहे? देखें, अपने घर वालों को धोखा ना दें, बड़े मान से भेजते हैं हम आपको बाहर, तो एटलीस्ट उनकी इज्जत का ख्याल रखें, और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो जायज़ ही नहीं है। ठीक, तो आप क्यों इस तरह करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। हमारी आज की वीडियो थी।
हमने कोशिश की है कि जो न्यू जनरेशन है, यंग बच्चे बच्चियाँ हैं, उनका क्या माइंडसेट है और वो कैसे सोचते हैं इस दिन को लेके। और मुझे खुशी हुई है कि ज़्यादातर अक्सरियत जो तादाद थी उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, बींग मुस्लिम हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इसे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। हो सकता है ऐसे ही हो जी, कैमरे में तो आपके सामने ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही कहा, तो मैं खुद ये समझता हूँ जी हर बंदे को हक है, वो अपने जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे आज़ाद पैदा किया है वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। जिस तरह हमें इस्लाम ने बताया है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है, आप वो अपनाएं। ये हमारी वीडियो थी, ये हमारा मैसेज था, अगर आपको लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।